हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देख रहे हैं हेंडरसन द रेन किंग की। ये जो नॉवल है वो सॉल बिलो की नॉवल है। सॉल बिलो एक नोबेल प्राइज विनर राइटर हैं। ये जो नॉवल है वो 1959 में उन्होंने लिखी थी और इस नॉवल में फिलॉसफी के साथ साथ कॉमिकल एडवेंचर है, इस वजह से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवल है। और दिस वॉज रैंक नंबर 21 ऑन मॉडर्न लाइब्रेरीज लिस्ट ऑफ द 100 बेस्ट नॉवल्स। तो जो 100 बेस्ट नॉवल्स हैं उनमें नंबर 21 पे है ये नॉवल हेंडरसन द रेन किंग। तो चलिए अब हम लोग इसकी समरी को देखते हैं कि इस नॉवल में क्या बताया गया है। सो नॉवल के जो मेन कैरेक्टर है वो है यूजीन हेंडरसन। यूजीन हेंडरसन इज़ अ ट्रबल्ड मिडिल एजड मैन। तो वो एक मिडिल एजड मैन है और वो काफ़ी परेशान रहता है। डिस्पाइट हिज रिचेस, हाई सोशल स्टेटस एंड फिजिकल प्रोविस, ही फील्स रेस्टलेस एंड अनफुलफिल्ड। तो उसके पास बहुत सारा पैसा है, स्टेटस है और फिजिकली भी वो स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी उसे हमेशा रेस्टलेस महसूस होता है, अनफुलफिल्ड महसूस होता है। उसे ऐसा नहीं लगता कि उसका जो जीवन है उसमें किसी भी तरह का फुलफिलमेंट है। एंड हार्बर्स अ स्पिरिचुअल वॉइड दैट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज एन इनर वॉइस क्राइंग आउट आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट। और उसके उसकी जो अंदरूनी आवाज़ है, उसकी अंतरात्मा है, वो बार बार चिल्लाती रहती है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। होपिंग टू डिस्कवर वॉट द वॉइस वॉन्ट्स, हेंडरसन गोज टू अफ्रीका। तो ये जानने के लिए कि उसके अंतरात्मा क्या चाहती है, हेंडरसन अफ्रीका जाता है। अपॉन रीचिंग अफ्रीका, हेंडरसन स्प्लिट्स विथ हिज ओरिजिनल ग्रुप एंड हैज अ नेटिव गाइड रोमी लायू। तो अफ्रीका पहुंचने के बाद हेंडरसन अपने ओरिजिनल ग्रुप को छोड़ता है और वो वहीं के एक अफ्रीकन आदमी रोमी लायू के साथ आगे बढ़ता है। रोमी लायू लीड्स हेंडरसन टू द विलेज ऑफ अर्नेवी, वेयर हेंडरसन बिफ्रेंड्स द लीडर्स ऑफ द विलेज। तो रोमी लायू हेंडरसन को अर्नेवी लोगों के गांव में ले जाता है, जहां पर हेंडरसन जो गांव के बड़े बूढ़े होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनके साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। ही लर्न्स दैट द सिस्टर्न फ्रॉम विच द अर्नेवी गेट देयर ड्रिंकिंग वाटर इज प्लेग्ड बाय फ्रॉग्स, दस रेंडरिंग द वाटर अनक्लीन अकॉर्डिंग टू लोकल टैबूज। तो हेंडरसन को पता चलता है कि वो टैंक, सिस्टर्न का मतलब टैंक या वो टंकी जिससे अर्नेवी लोग पानी पीते हैं, उसमें खूब सारे फ्रॉग्स हो गए हैं, दस रेंडरिंग द वाटर अनक्लीन अकॉर्डिंग टू लोकल टैबूज। तो फ्रॉग्स की वजह से वो जो पानी है उनके लिए अनक्लीन हो गया है। हेंडरसन अटेम्प्ट्स टू सेव द अर्नेवी बाय रिडिंग देम ऑफ द फ्रॉग्स, बट हिज एंथुजियास्टिक स्कीम एंड्स इन डिजास्टर, डिस्ट्रॉइंग द फ्रॉग्स एंड द विलेजेस सिस्टर्न। तो हेंडरसन अर्नेवी की मदद करना चाहता है उन फ्रॉग्स को वहाँ से भगाने में, लेकिन उसकी स्कीम की वजह से फ्रॉग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और साथ ही साथ वो जो टैंक है, सिस्टर्न है, वो कंटेनर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरीके से वो करने जाता है अच्छा, लेकिन हो जाता है बुरा। हेंडरसन एंड रोमी लायू ट्रैवल टू द विलेज ऑफ द वरीरी। उसके बाद वो लोग एक दूसरे ट्राइब वरीरी के गांव में जाते हैं। हेंडरसन इम्पल्सिवली परफॉर्म्स अ फीट ऑफ स्ट्रेंथ बाय मूविंग द जायंट वुडन स्टैच्यू ऑफ द गॉडेस मोमा एंड अनविटिंगली बिकम्स द वरीरी रेन किंग सुंगो। तो उसके बाद फिर हेंडरसन वहाँ पर अपनी ताकत दिखाते हुए एक बहुत बड़ी लकड़ी की मूर्ति को अपनी जगह से हिलाता है। वो मूर्ति एक लोकल गॉडेस मुमा की थी और क्योंकि उसने उस बड़ी सी मूर्ति को हटाया था, मूव किया था, इसीलिए उसे एक टाइटल देते हैं वो लोग, रेन किंग बन जाता है वो, वरीरी रेन किंग सुंगो। ही क्विकली डेवलप्स अ फ्रेंडशिप विद अ नेटिव बॉर्न बट वेस्टर्न एडुकेटेड किंग डाफू, विथ होम ही एंगेजेस इन अ सीरीज ऑफ फार रीचिंग फिलोसफिकल डिस्कशंस। उसके बाद फिर हेंडरसन की दोस्ती होती है वहीं के एक आदमी से जिसका नाम होता है किंग डाफू, जो कि वहीं का आदमी था लेकिन उसे वेस्टर्न एडुकेशन मिली थी, और इसलिए हेंडरसन और डाफू दोनों फिलोसफिकल चीज़ें डिस्कस करने लग जाते हैं। द एल्डर्स सेंड डाफू टू फाइंड अ लायन विच इज सपोजिटली द री इनकारनेशन ऑफ द लेट किंग डाफूज फादर। तो जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो डाफू से कहते हैं कि तुम एक शेर को ढूंढो, क्योंकि वो जो शेर है वो तुम्हारे फादर का री इनकारनेशन है, तुम्हारे फादर का फिर से जन्म हुआ है एक शेर के रूप में। द लायन हंट फेल्स एंड द लायन मोर्टली वुंड्स द किंग। लेकिन जब वो लोग उस लायन को पकड़ने जाते हैं
तब वो जो शेर है वो किंग को जख्मी कर देता है. हेंडरसन लर्न शॉर्टली बिफोर डाफूज डेथ दैट द रेन किंग इज द नेक्स्ट पर्सन इन द लाइन ऑफ सक्सेशन फॉर द थ्रोन. हेंडरसन को पता चलता है कि डाफू के मरने के बाद जो नेक्स्ट जो रेन किंग है वही नेक्स्ट राजा बनेगा और उसे राजगद्दी मिलेगी. तो रेन किंग तो हेंडरसन बन गया था. हैविंग नो इंटरेस्ट इन बींग किंग एंड डिजायरिंग ओनली टू रिटर्न होम हेंडरसन फ्लीज द वरीरी विलेज. तो वो लोग उसे राजा बनाने ही वाले होते हैं लेकिन उसमें हेंडरसन की कोई रुचि नहीं होती और इसलिए वो वरीरी गांव छोड़कर वहां से भाग जाता है. ऑल्दो इट इज़ अनक्लियर वेदर हेंडरसन हैज़ ट्रूली फाउंड स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट द नोवल एंड्स विद एन ऑप्टिमिस्टिक एंड अपलिफ्टिंग नोट. तो ये काफ़ी अनक्लियर है कि हेंडरसन वहाँ से भागने के बाद उसे स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट मिला या नहीं, उसकी अंतरात्मा जिस चीज़ को ढूंढ रही थी वो मिली या नहीं, लेकिन नॉवेल जो है काफ़ी पॉजिटिवली एंड हो जाती है. सो आई होप आपको ये समरी समझ में आई होगी. और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं. तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.